रियासत तेलंगाना के सिलसिला जिला से नौजवान लड़की के अगवा के मामले का नया मोड़ सामने आया है। लड़की ने खुद अपने बयान में कहा कि उसका अगवा नहीं हुआ बल्कि उसने अपने आशिक के साथ शादी कर ली है। अगवा के कुछ घंटों बाद लड़की ने अपने शौहर के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि दरअसल वो और जानी नामी नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे और दूसरी जगह इसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। लड़की के मुताबिक इसके कहने पर जानी ने इसका अगवा किया और इसके बाद हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। बाज रहे कि राजनगर सिलसिला जिला में सुबह की अव्वलीन सातों में अगवा की सनसनीखेज वारदात पेश आई। चार नौजवानों ने जो कार में आए बाप के सामने बेटी के अगवा करके ले गए। ये वाकया राजनगर सिलसिला जिला के चिंदौती मंडल के मोडापल्ली गाँव में पेश आया है। लड़की के अगवा होने से मच गई। वाकई पर विमुलाब के दौरे पर आए रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक़्श ने भी बरहमी का इजहार किया है और जिला एसपी राहुल हेगड़े से वाकई पर तफसीली बातचीत करते हुए हिदायत दी कि इस हरकत में मुलविस नौजवानों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। तफसीलात के मुताबिक मास्क पहने हुए चार नौजवानों ने एक कार में मोडापल्ली गाँव के गोली शालिनी के घर आए। जब शालिनी बाहर आई तो उन्होंने इसका जबरदस्ती अपने कार में बिठा लिया गया है और इसे रोकने की कोशिश की तो धक्का देकर शालिनी को गाड़ी में ले गया। शालिनी जब घर से बाहर आई तो नौजवान जो घर के बाहर एक कार में बैठे थे, जैसे ही नौजवान लड़की बाहर आई उन्होंने इसके वालिद को मारा पीटा और जबरदस्ती ताला लगा दिया। लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाने के मंजर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। మా పేరెంట్స్ కేసు పెట్టి ఆయన జైలు పంపించి నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్ళారు. కేవలం దళిత కుటుంబానికి చెందిన వాడు కాబట్టి మా వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు.